दोस्तों गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेवर पर। और अभी मैं हूँ रिस्किस में और ये है राम झूला मार्ग। और ये वाला जो रास्ता है वो सीधे राम झूला में जाता है। तो आज इस ब्लॉग में आप राम झूला और उसके आसपास के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सबको आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राम झूला के ऊपर। काफी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। मछली को दाना लाए नहीं तुम? तो दोस्तों ये है ऋषिकेश का राम झूला पुल, बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पे हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं और इससे जुड़े हुए बहुत सारे पर्यटक स्थल या धार्मिक स्थल भी हैं। और ये जो पुल बना हुआ है ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। लगभग इस पुल को बने हुए 110 साल हो चुके हैं। ये ब्रिटिश टाइम पर ये पुल बना हुआ था। चलो ये चलो, ये ठीक ले रहे काम। चलिए अब पहुंच गए हम पुल के दूसरे छोर पे। यहाँ पे बनी हुई है पुलिस चौकी, यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो पुलिस की हेल्प ले सकता है, उत्तराखंड पुलिस की। और अब चलते हैं सीधे नीचे घाट पे। बहुत लोग आए हैं यहाँ पे गंगा में स्नान करने के लिए। और ये है दोस्तों राम झूला और उस तरफ है लक्ष्मण झूला, भी दिख नहीं रहा है, वो आजकल थोड़ा बंद कर दिया गया है उसको। देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों इस घाट पे जो गंगा दर्शन घाट है ऋषिकेश में राम झूला के पास में, और बहुत सारे जो लोग हैं वो गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, देश और दुनिया के कोने कोने से। बहुत लोग यहाँ पे गंगा घाट पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे ली जा रही है दोस्तों इसमें चाय की चुस्कियाँ। मेरे ठीक पीछे है स्वर्गासन गेट है, यहाँ पे इसके इसमें बना हुआ है।
बहुत शांति मिली यहाँ पे। तो यहाँ से देश विदेश से जितने भी लोग हैं वो सिर्फ शांति के लिए ऋषिकेश में आते हैं या हरिद्वार में आते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है। तो ज़रूर आपको यदि मौका मिले ज़रूर विजिट कीजिएगा इन साइटों पे। दोस्तों ये है ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम का जो पुराना मंदिर है यहाँ पे बना हुआ है, और अभी अंदर कीर्तन और भजन चल रहे हैं। शायद बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ आश्रम में ठहरे हुए हैं। आ जाओ, मजा आ रहा है दोस्तों।